जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ट्रांससेक्सुअलिज्म और जेंडर डिस्फोरिया, यह बीमारी के बारे में मैं अभी बातचीत करने वाला एक पेशेंट के बारे में जिन्होंने मुझे कंसल्ट किया। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतः महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। क्या था कि जेंडर डिस्फोरिया या ट्रांससेक्सुअलिज्म या जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में होता क्या है कि जो सेक्स बच्चों को या वो व्यक्ति को असाइन किया है या जो उसका सेक्सुअल है बायोलॉजिकल सेक्स, तो उसको लगता है कि ये मैं अनफिट हूँ, इसमें मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे अदर सेक्स होना चाहिए था जो वो नहीं है, और फिर उसमें उसको प्रॉब्लम होता है। जैसा कि अभी ये जो है जो पेशेंट के लिए उनके माँ बाप ने मुझे कंसल्ट किया, तो ये करीब करीब 20 साल की लड़की है। अभी उसकी हिस्ट्री मेरे सामने है और उसको फीमेल के बारे में बहुत आकर्षण है। लड़की है वो, फीमेल के बारे में बहुत आकर्षण है, मगर उसको ऐसा नहीं लगता कि उसके साथ में मैं सेक्स, मतलब वो लेस्बियन नहीं है, उसको अंदर से ऐसा लगता है कि मैंने लड़का रहता तो अच्छा रहता था, मतलब मैं लड़का रहती थी तो अच्छा रहती थी। तो उसको बहुत निगेटिव विचार आते हैं, फिर नींद नहीं आती, और फिर उसको लगता है कि नहीं मैंने लड़का ही होना चाहिए था, उसको लड़के जैसा रहना, उसको लगता कि मैं गलत ठिकाने पर हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ। हालांकि उसको मालूम है कि उसको काफ़ी अभी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, उसको वजन आया, उसको MC आती है, सब उसको हो रहा है, मगर अभी तक उसने बोला नहीं था। अभी जब शादी की बात चालू हो गई तब उसने सब ये बाहर धीरे धीरे बोलना चालू कर दिया। उसको लगता था कि मैं गलत हूँ, मतलब गलत जगह पे हूँ, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग आइडेंटिटी है मेरी। तो उसको पढ़ाई में दिल लगता नहीं, उदासीनता है, फिर जीवन में कुछ पढ़ा नहीं है, भगवान ने मुझे लड़की क्यों बनाया, मुझे लड़का क्यों नहीं बनाया, ऐसा बोलती रहती है, वही बातें दिमाग में रहती है और अंदर से घूट रही है, बोलती कि मैं अंदर से बहुत घूट रही हूँ। खुदकुशी करने के लिए इसलिए कोशिश किया कि उसको लगता है कि मुझे लड़का बनना है और मैं लड़के जैसा रहूँ तो फिर अपनी इज्जत चली जाएंगी समाज में, लोग क्या बोलेंगे, मेरे माँ बाप की इज्जत चली जाएंगी, उन्होंने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया है तो उनको क्या लगेगा, इसलिए अभी तक बोल नहीं रही थी। इसलिए उसने 2 बार खुदकुशी करने की भी कोशिश किया मगर वो असफल रही और अभी ये पोजिशन में है कि अभी करना क्या। माँ बाप ने बोला उसको कि भाई देख तेरा इलाज करेंगे, तू तो ऐसा लगता है कि भाई नहीं मैंने लड़का रहना चाहिए था, लड़का बन के रहना चाहिए था, मैं अभी गलत सेक्स मुझे मिला है तो अपन उसका इलाज करेंगे। बोलते नहीं मेरे को तो इलाज करना ही नहीं है। फिर कभी कभी बोलते कि नहीं ठीक है मुझे इलाज हो गया तो अच्छा होगा, मैं इलाज करूँगी। फिर जब उनको उसको लाया मेरे, तो मैंने बोला देखा आपको पहले पक्का करना पड़ेगा कि आपको सेक्स कौन सा चाहिए, लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए, आप है तो लड़की बायोलॉजिकली, अब आपको लड़का करके जीवन जीना है तो फिर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, ऑपरेशन करो और लड़के जैसा जीवन जियो, फिर आप जी सकती है, आप शादी भी कर सकती है लड़की के साथ में, जो भी करना है वो खुल के बात कर सकती है और विद एवरीथिंग ओपन आप जी सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले ठीक है, हमारा भी वही विचार है कि भाई करना क्या है, लोगों को कैसा बताना कि भाई ये लड़के जैसा है, इसको ऑपरेशन करना है लड़की का, ये कैसा बताना, हमको भी पता नहीं चल रहा है। पर मैंने कहा देखो कि यदि आप माँ बाप को, मैंने बोला यदि आप इसमें कुछ करेंगे नहीं तो इसको तो बहुत गिल्ट लग रहा है कि मैं गलत सेक्स में हूँ, इसको यह भी गिल्ट लग रहा है कि माँ बाप की इज्जत जाएगी, तभी इसको पहले साइकोथेरेपी की जरूरत है, यह तो कभी भी सुसाइड कर लेगी क्योंकि उसको बहुत गिल्टी लग रहा है इसमें, बहुत बोलती मेरे को बहुत घुटन सी लग रही है, मेरे को भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, मैंने क्या पाप ऐसा किया था कि मैंने मुझे लड़का क्यों नहीं बनाया। तो मैंने बोला भाई देखो आप उसको पहले हम काउंसिलिंग करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके मन में जो बाहर निकालेंगे, और फिर उसको लड़का पक्का ही लड़का ही बनना है तो फिर हम देखेंगे कि उसको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है क्या बाकी, और कुछ भी नहीं है और वो पक्का है तो हम आगे बढ़ सकते हैं और उसका ऑपरेशन भी कर सकते हैं, उसको लड़का बना सकते हैं ताकि कम से कम उसका जीवन जिएंगे वो ना खुशी से। तो जब माँ बाप की मैंने काउंसिलिंग किया तो उनको भी ये समझ में आ गया कि भाई हम उसको विरोध करेंगे क्योंकि वो तो घुट रही है, घुटन सी हो रही है उसको अंदर एज ए लड़की जीना, तो हम उसको अपोज करेंगे तो उसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। तो अपोज करने में मतलब नहीं है, मतलब आप रियलिटी में आ जाओ, वास्तवता में आ जाओ, इसके कारण में मत जाओ कि इसका कारण बायोलॉजिकल है क्या, इसके ब्रेन में कुछ खराबी है क्या, साइकोलॉजिकल क्या कारण हो सकता है, उसको बहुत कारण है, जेनेटिक कारण है, बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, जो भी कारण होगा, रेयरिंग है, बाल संगोपन कैसा हुआ, छोड़ो उसको, अभी क्या है, अभी है। तो बोले हमको मालूम ही नहीं था कि सर्जरी हो सकती है, मतलब आप सोच सकते हैं सर्जरी के बारे में, सर्जरी करो, उसको लड़का बनाओ और उसको अच्छा जीवन जीने दो, क्या प्रॉब्लम है उसमें, जबरदस्ती करके उसको लड़की करके ही जीने के लिए हमने यदि फोर्स किया तो एक दिन एक कम ज्यादा कर लेंगी। बोले हाँ बराबर है आप। तो 1-2-3 सीटिंग मुझे उनके साथ में करनी पड़ी और वो निर्णय पे आ गए कि नहीं हमको इसको लड़का करके उसको बड़ा करना है, मतलब लड़का करके वो रहेगी,
लड़का करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे, जो भी करना है उसको उसका जीवन जीने देंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। बहुत सारे लोग हैं कि जो बाइसेक्सुअल है, लड़का लड़की दोनों भी है, उनको ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे बॉयश लड़कियां रहती है, बॉयश रहती है, मतलब उनका बोलना चलना लड़के जैसा रहता है, मगर उनको लगता है कि नहीं अपन लड़की है, मतलब उसको जरा वो हीमैन टाइप करेंगी, स्पोर्ट्स वगैरह बॉयश में बॉयज जैसी करेंगी, रहना कपड़े पहनना, मगर उनको वो संदेह नहीं रहता कि मैं बॉय हूँ, उनको मालूम है कि अपन लड़की है, शादी भी कर दी, उनका जीवन भी अच्छा चलता है, तो वो बात अलग है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि वो लेस्बियन है, मतलब उनको मालूम है कि मैं लड़की हूँ, मगर उनको लड़के के साथ में शादी नहीं करने का, उनको लड़की के साथ में जीवन जीना है, फीमेल टू फीमेल लेस्बियन, तो वो एक अलग कैटेगरी है। और ये कैटेगरी ऐसी है ट्रांससेक्सुअल की जिनके उसमें लगता है कि नहीं मैं लड़का करके ही जीना है मेरे को, दो मैं लड़की हूँ, मुझे लड़की क्यों बनाया भगवान ने, ये अलग कैटेगरी। तो ऐसे बहुत सारे, उनको ये शेयर करो वीडियो, ताकि बहुत सारे जीवन में हम ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, उनका जीवन आसानी से वो जी सकेंगे। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप हमारे पार्टनर बनेंगे। हमारा ऐप है डॉक्टर केड़कर, वो ऐप आप डाउनलोड करो, फ्री प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री चैटिंग कर सकते हैं, और उसमें ऑनलाइन कोई कोर्सेज है वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।